बॉन्ड कंपनी और गवर्नमेंट के लिए पैसा जुटाने का एक मीडियम है। बॉन्ड से जुटाया गया पैसा कर्ज की कैटेगरी में आता है। कंपनी अपने बिजनेस के विस्तार के लिए समय समय पर बॉन्ड से पैसा जुटाती है। सरकार भी आय और खर्च के अंतर को पूरा करने के लिए कर्ज लेती है। वह बॉन्ड के जरिए ये कर्ज लेती है। गवर्नमेंट जो बॉन्ड जारी करती है उसे गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर इन्वेस्टर के नजरिए से देखा जाए तो बॉन्ड को बहुत ही सिक्योर माना जाता है। खासकर गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत ही सिक्योर होते हैं। इसका रीजन ये है कि इसमें गवर्नमेंट की गारंटी होती है। कंपनी का बॉन्ड उसकी वित्तीय स्थिति के हिसाब से सिक्योर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन ठोस है तो उसका बॉन्ड भी सिक्योर होगा। कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होने पर उसके बॉन्ड को सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता। कंपनी के बॉन्ड को कॉरपोरेट बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड पर पहले से तय इंटरेस्ट रेट से ब्याज मिलता है। इसे कूपन कहा जाता है। सुंकी बॉन्ड की ब्याज दर पहले से तय होती है, इसलिए इसे फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। बॉन्ड की अवधि के दौरान ये ब्याज दर निश्चित होती है, इसमें बदलाव नहीं होता। अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है। सरकारी बॉन्ड को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G-Sec कहा जाता है। इनके जरिए निवेशकों से धन जुटाया जाता है। पहले बड़े निवेशक ही इनमें निवेश कर पाते थे, पर अब छोटे निवेशकों के लिए भी इनमें निवेश की अनुमति है। बॉन्ड की मैच्योरिटी की अवधि 1 से 30 साल तक की हो सकती है। बॉन्ड से मिलने वाले रिटर्न को यील्ड कहा जाता है। बॉन्ड की यील्ड और उसकी और इसके मूल्यों का आपस में उल्टा संबंध होता है। इसका मतलब है कि बॉन्ड की कीमत घटने पर उसकी यील्ड बढ़ जाती है, बॉन्ड की कीमत बढ़ने से उसकी यील्ड घट जाती है। तो दोस्तों, ये था कुछ बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस। कैसे लगी जानकारी, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो वो भी लिख भेजिए। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ईकॉम फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।